और ये इसको बोलते हैं जप माला के लिए कार्ड है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके बारे में बता दिया, इसमें पूरा वैष्णव का भजन है। जो सुबह सुबह में आरती गाते हैं ना, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, ये सब चीज़ है। फिर भगवान को भोग कैसे लगाएंगे उसके लिए भी, अभी कार्तिक मास चल रहा है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, भगवान को दीपदान करते हैं, वो भी है। इसको नाम हटा परिचय बुक बोलते हैं, कहीं पे भी इसको पुरुलिया उरुलिया में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा बोई है ना, और ये बोई है हमारा फिलोसफी। फिलोसफी को क्या बोलेंगे, हमारा इंटेलिजेंट को साफ करने के लिए। ये पढ़ने से हमें क्या होगा, डिटर्मिनेशन आएगा। ये पुरपात का लिखा गया बुक है ना, इसे पढ़ने से हमें डिटर्मिनेशन आएगा कैसे भक्ति, ठीक है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये माला का जप करना ना, तो ये पकड़िए मैं बताता हूँ ना। तो ये माला को कभी भी जप कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि चार नहीं किया तो नहीं जप करेंगे, है ना। कभी भी जप कर सकते हैं, कहीं पे भी मुंह करके जप कर सकते हैं। और ऐसा डिस्क्राइब किया गया है कि इसको क्या करना है, सुबह में उठ के चान करके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे ये मोती जो है ना, हाँ इसको ऊपर ऐसे पकड़ने का, ठीक है। ये आंगुल को टच करवे ना, है ना, ये भावी करा पकड़ लेवे, ठीक है। अच्छा भाग है, हाँ भाग पकड़ लेवे ना, ठीक है। अच्छा ये भाग है ना, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ, ठीक है। आगे भी बढ़ाते जाओ, है ना, ऐसे बढ़ाइए। हाँ वाह, हम आ जाते हैं पीछे, ठीक है। फिर से वो पोजीशन पे आ जाते हैं ना, हाँ ठीक है। तो जो कलयुग में एक ही मात्र है भक्ति का साधन, मंत्र और हरि नाम मंत्र। जो हरे कृष्णा महामंत्र है कोई साधारण नहीं है, इसी से प्रभुपाद ने पूरा विदेश में प्रचार कर दिया। जो अमेरिकन लोग नशा करता था वो चाय कभी भी नहीं पीता, ठीक है ना। तो ये 16 अक्षर का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको हमको कितने बार करना है, 108 बार करना है। उससे पहले एक मंत्र जप करना है, जैसे फोन लगाते हैं ना, तो फोन से लगाने से पहले एक स्टडी कोड लगाते हैं ना, ताकि सही जगह पहुँचे। उसी तरह से सही परंपरा में पहुँचने के लिए, गौरव वैष्णव परंपरा में पहुँचने के लिए एक मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गगनहर शिवासादि गौरव गीता, उसको एक बार जप करना, ठीक है ना। तो मंत्र जप करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कैसे करना चाहिए, जो बोल रहे हैं उसी को सुनना चाहिए, और बाहर कहीं पे भी हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो स्टार्ट करके मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ बोलेगा, मेरे बाद बोलेगा, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद, शिवासादि गौरवृंद। हाँ ये हो गया। उसके बाद 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र साथ में करेंगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।